शिलान्यास का कार्यक्रम और सभा खत्म होने के बाद वहां से जब निकल रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्व है जो दारू पी के हुल्लड़ कर रहे थे। बाद में गांव वालों ने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अनावश्यक रूप से हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जब मैं वहां से निकल रहा था तो उन लोग रास्ते में आके हल्ला गुल्ला गाली गलौज कर रहे थे, तो उनको सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी तक जाने के लिए उन लोगों को हटाने का काम किया। कहीं इस तरह की कोई मारपीट की कहीं कोई घटना हुई नहीं है। और हम लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति है प्रदेश के, किसी को मारपीट करने का कहीं कोई सवाल ही नहीं है, ना इस वीडियो में है ना और कहीं इस तरह का कहीं कोई घटना नहीं हुई है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद के प्रत्याशी है वहां के आरंग के, उन्होंने इस घटना को मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी का जो 7 स्टार जो भवन बना है उसका आवंटन भी ऐसी हुआ है? इसी तरह से अपने जिस तरह से हम लोग करते हैं उस तरह की बातें करते हैं? हमारे यहाँ पूरी पारदर्शिता है कांग्रेस पार्टी में। जनवरी को आरंग क्षेत्र के रीवा गांव के एक शासकीय भूमि पूजन के दौरान जिस तरीके से शिव डहरिया की उपस्थिति में और उनके संलग्नता में उनके पीएसओ के द्वारा और साथ में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके द्वारा जिस तरीके से आम जनता ने अपनी पानी की मांग वहां पर रखी हुई बरसों बरस से जो समस्या है, उस समस्या के निराकरण करने की बजाय उन्होंने उसका गलत जवाब देकर उन पर उल्टा वार किया और वहां पर हंगल की नौबत आई, मारपीट की नौबत आई और पीएसओ का वीडियो भी वायरल हो रहा है, मंत्री जी का भी वीडियो वायरल हो रहा है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र भी कहीं न कहीं शर्मनाक की स्थिति पर पहुंचा। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब लोगों ने यह मांग की है कि एक सरकार का जिम्मेदार मंत्री यदि अपने आचरण को खो देता है और इस तरीके का व्यवहार करता है तो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले और इस पूरे घटनाक्रम के जिम्मेदार शिव डहरिया को मानते हुए, क्योंकि वो उस कार्यक्रम में संलग्न है, उस पूरे घटनाक्रम में संलग्न है, उनको मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करे, ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मांग है। कल भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे प्रदेश भर में मंत्री शिव डहरिया का पुतला दहन करेंगे। लोकतंत्र के ऊपर जो हाथ उठाए हैं, अश्लील गाली गलौज किए हैं उसके विरोध में, और प्रदेश भर के कहीं पर भी मंत्री शिव डहरिया जाएंगे तो उनको हमारे कार्यकर्ता वहां के काला झंडा दिखाकर उनका विरोध करेंगे।